हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल श्रद्धाशील ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। आप देख सकते हो छठ पूजा चल रही है, ये चाची हमारी छठ सब व्रत रखती हैं, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे जाते हैं, नदी के पास जाते हैं। तो ये आंटी वो चाची को लगा रही थी, सिंदूर लगाया जाता है ना उसमें, मतलब पूरा नाक से पूरा मांग तक डाला जाता है, भरा जाता है मीन्स, तो वही लगा रही थी आंटी। और ये देखिए, ये सारा जो भी मतलब धूप में रखा गया है, जितने भी फल चढ़ाए जाते हैं, फल हो गया, और ये इसको हम बिस्किट वाला वो बोलते हैं, क्या कहते हैं कि जो ठोकवा होता है उसको ठोकवा बोला जाता है, लेकिन हम इसको बिस्किट बोलते हैं। बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्टी होता है एकदम टाइट टाइट। और इसको देखिए बगल का है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा, बहुत क्यूट सा लगता है ये। और ये चाची अब पूजा कर रही थी, वही सूर्य निकलने वाला, मतलब जैसे नहीं हो रहा कि सूर्य ढलते हैं, जैसे दो बार का होता है ना, एक शाम में अर्घ दिया जाता है, एक सुबह में अर्घ दिया जाता है, तो हम दो बजे शाम में अर्घ दे रहे थे, तो सूर्य भगवान का वही देखा जा रहा था कि सूर्य भगवान डूब रहे हैं, उसके बाद अर्घ दिया जाएगा, मतलब डूबते हुए सूर्य को एक बार अर्घ देते हैं, एक बार डूबते हुए सूर्य को अर्घ, शाम में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया था। ये सुबह हो गया था, तो आप देख सकते हो सुबह जब सुबह अर्घ दिया जाता है, तो जैसे जो जो लोग आते हैं उनसे मतलब वो किया जाता है ना, मतलब जैसे करवाया जाता है व्रत को। तो ये मन भैया थे, मतलब चाची के लड़के हैं, तो वो भाई चाची का कर रहे थे। तो उसके बाद मतलब अमन दिया करे कुछ चाचा लोग किए, और जो जो लोग जानते हैं सब लोग करते हैं पारी पारी से। लेकिन चाची बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि आपको आप देख सकते हो कि उसने एक दिन मतलब कुछ लोग को तीन दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, कुछ लोग एक दिन नहीं खाते, तो चाची का एक दिन कर सकते हैं। लेकिन वो काफ़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि किसी को बना, किसी को कुछ बनाना भी रहता है, और कुछ भी नहीं खाना होता, मेरा जल व्रत रहता है, तो उस वजह से आप समझ सकते हो कि इंसान कितना वीक हो जाएगा और कितना ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। और ऊपर से इसमें राउंड करना था, और ये देखिए हमारी कोसी भर आ रही थी, और ये जो बधा हुआ है गन्ना वो साड़ी से बधा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, मतलब हमारी शादी बलिया में हुई है, तो उसमें वहाँ पे क्या होता है कि आपको कोसी भरना होता है, मतलब जैसे माना जाता है कि शादी हो जाती है उसके बाद कोसी भरा जाता है बहुओं का, तो वही हमारा कोसी भरा जा रहा था, तो इसलिए वही फंक्शन हो रहा था, तो चाची वही सब कुछ कर रही थी, और हम बगल में बैठे हुए थे, और चाची मतलब अपना बना बना रही थी, सब कर रही थी। इसमें क्या मतलब जैसे देखिए दो पांच कोसी रखा जाता है, और फिर बीच में मतलब वो जो दिया वाला रहता है, पांच के साथ दिया वाला रहता है, वो रखा जाता है। दो चार छः कोसी दिख रहा है यहाँ पे, छः कोसी दिख रहा है, छः सात कोसी रहती है, और छः सात वो दिया वाला रहता है जो भरा जाता है, उसी को सुबह ले जा कर के अर्घ दिलाया जाता है। हम देख सकते हो गाइस, और वही सब लोग गाना वाना भी गा रहे थे, उसी में गाना बज भी रहा था, वो गाना गा भी रहे थे लोग। सुबह के टाइम पे वही जब लोग आते नहीं, तो फिर शाम का होता है, फिर शाम का हो गया था, तो सुबह के टाइम पे सब लोग आते हैं, तो सुबह के टाइम पे भी तो हम लोग आते, तो सुबह हम लोग चार बजे या चार बजे क्या मतलब चार बजे कहा गया था, लेकिन आते आते हम लोग साढ़े चार बजा दिए थे, साढ़े चार बजे तक हम लोग आ गए थे नदी के पास, सब कोई आ गए थे। तो वही हम देख रहे थे यहाँ पे, वीडियो बना रहे थे कि कितनी भीड़ थी सुबह, मतलब साढ़े चार बजे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना ज़्यादा अंधेरा भी था, अंधेरा तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन लाइटिंग था इस वजह से उतना पता नहीं चल रहा था, बाकी भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, क्या बताऊँ, लग ही नहीं रहा था कि कोरोना का ना हो कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ भी नहीं रहा था। तो देखिए सुबह में सब कुछ मतलब थोड़ी सी सुबह में ठंडी थोड़ी ज़्यादा लगती थी ना, शाम में ठंडी तो मालूम नॉर्मल थी, लेकिन सुबह का ठंडी बहुत ज़्यादा था, तो लोग स्वेटर वगैरह पहन के आए थे, स्वेटर कुछ वो पहने थे, कुछ शॉल पहने थे, तो चाची भी स्वेटर पहनी हुई थी, स्वेटर और शॉल दोनों चाची ली हुई थी। और फिर इसके बाद क्योंकि सुबह सुबह नहा वहाँ के आना रहता है, तो नहा के फिर स्वेटर सॉल उठा पहनी थी, तो पूजा करने लगती हैं तब तो स्वेटर वगैरह निकाल देती हैं। हम लोग भी ये शॉल ले करके आए थे, गाना वाना बज रहा था, और इतना नगाड़ा टाइप का बज रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है।
देखो वही वही सब।